वो चाहे वो सरकारी नौकरी हो या पंचायत हो या नगर निकाय हो, ये काम राजद ने नहीं किया, ये काम भारतीय जनता पार्टी वाली सरकारों ने ही इसको देने का काम किया है। कि मेरा जो निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, ये केवल महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता है, फिर मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होता है, देश के सभी राज्यों पर यह निर्देश लागू होता है। अगर कोई राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता को अगर क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है, तो वैसी स्थिति में रिजर्व सीट को जनरल सीट बनाकर वो चाहे तो चुनाव करा सकता है। बिहार में जब लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार थी, तो लगभग 23 साल तक बिहार में कांग्रेस लालू राबड़ी के राज में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। कर्पूरी जी के समय में अंतिम चुनाव हुआ था, उसके बाद 23 साल तक बिहार में कांग्रेस का राज हो या लालू राबड़ी का राज हो, ना नगर निकाय का चुनाव हुआ, ना पंचायत का चुनाव हुआ। तो लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस, इन लोगों ने 23 साल तक बिहार के लोगों से मुखिया बनने से, चेयरमैन बनने से वंचित रखा। और 2003 में जब राबड़ी देवी ने बिहार में चुनाव कराया, तो अति पिछड़ों को तो छोड़िए, दलितों को भी चुनाव में आरक्षण नहीं दिया, जबकि संविधान में प्रावधान है कि मुखिया, उपमुखिया, प्रमुख, इन सारे पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अनिवार्यता है, मैंडेटरी है। तो अति पिछड़ा तो छोड़िए, दलितों को भी आरक्षण से वंचित कर दिया लालू राबड़ी के राज। तो जब बिहार में हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तब 2007 में हम लोगों ने पंचायत के चुनाव में और नगर निकाय में अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया। तो आज अगर बिहार में हजारों की संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग मुखिया बने, प्रमुख बने, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और केवल पंचायत और नगर निकाय नहीं, सरकारी नौकरियों में जब बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण का लाभ मिला, वो भी तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी। 78 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, पंडित कैलाशपति मिश्रा उस सरकार में वित्त मंत्री थे, जो जनसंघ कोटे से आते थे, दूसरे नंबर पर थे वो। और उस सरकार ने बिहार में पहली बार पिछड़ों और अति पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता है, वो चाहे वो सरकारी नौकरी हो या पंचायत हो या नगर निकाय हो, ये काम राजद ने नहीं किया, ये काम भारतीय जनता पार्टी वाली सरकारों ने ही इसको देने का काम किया है। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य है कि पिछले दिनों नीतीश कुमार के अहंकार के कारण और बिहार के अति पिछड़ों, जो अति पिछड़ा समाज है, वो मेयर, डिप्टी मेयर वगैरह बनने से वंचित रह गया। पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्देश आए हैं, मैं उसमें से कुछ निर्देश आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आपके पास एनेक्सचर वन होगा, ये एनेक्सचर वन है जो नगर विकास एवं आवास विभाग का है। इस एनेक्सचर वन को एक बार खोल लीजिए, तो इसके पेज नंबर 2 पर ये एडवोकेट जनरल की राय है, और एडवोकेट जनरल ने क्या राय दी, मैं केवल उसकी एक लाइन पढ़ना चाहूँगा जो अंडरलाइन किया हुआ है, एंड रिव्यू माय प्रीवियस ओपिनियन रेंडर्ड ऑन 4 फरवरी 2022 एंड 12 मार्च 2022। यानी मैं 4 फरवरी 2022 और 12 मार्च 2022 को जो मैंने ओपिनियन दिया था, जो मैंने मंतव्य दिया था, उस मंतव्य का मैं पुनर्विचार कर रहा हूँ, और पुनर्विचार करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। तो एडवोकेट जनरल साहब, पहले आपने क्या राय दिया, 4 फरवरी को क्या राय दिया, 12 मार्च को क्या राय दिया, और उस पर पुनर्विचार करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। उसके अगले पेज पर आप जाइए,
जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में लर्नड एडवोकेट जनरल बिहार, उसमें जो अंडरलाइन है मैं उसको क्यों उसको पढ़ रहा हूँ। द प्रेजेंट ओपिनियन फाइल हैज बीन प्लेस फॉर फ्रेश ओपिनियन, यह फाइल मेरे पास फ्रेश ओपिनियन के लिए रखी गई है। वाइल प्रीवियस टू ओपिनियंस वर रेंडर्ड डेटेड 4 फरवरी 2022 एंड 12 मार्च 2022 वेर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेडिकेटेड कमीशन वॉज ओपाइंड इन टर्म्स ऑफ जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड इन द ओपिनियन प्रीवियसली रेंडर्ड। क्या मतलब हुआ, वो कह रहे हैं कि 4 फरवरी 2022 और 12 मार्च को मैंने जो मंतव्य दिया था, और क्या मंतव्य दिया उसमें लिखा है कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में, कि फाइल की नोटिंग का कागज मैं आपको दे रहा हूँ। तो दो बार आपने 4 फरवरी को 2022 को और 12 मार्च को दो बार, एक बार नहीं दो बार ओपिनियन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है। फिर आपने अपने मंतव्य क्यों बदल दिया, किसके दबाव में बदल दिया, यह एक सवाल जिसका जवाब बिहार के एडवोकेट जनरल को देना होगा। दूसरा, आप एनेक्सचर 2 पर आइए, जो मैंने आपको दिया उसमें एनेक्सचर 2 ये 11 मई का है। अभी ये महीना 10वां महीना चल रहा है। ये 11 मई को राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने नगर विकास को जो पत्र लिखा, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में पिछड़े वर्गों की सूची आयोग को प्रेषित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जो अलग अलग निर्णय आए हैं उसके आलोक में आप निर्वाचन आयोग को पिछड़े वर्गों की सूची उपलब्ध कराइए। उसमें आगे लिखते हैं, प्रारंभिक पत्र के क्रम में कहना है कि पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन फलाना फलाना दिनांक 10 मई 2022 को सभी राज्य सरकारों एवं आयोग का अनुपालन हेतु दिशा निर्देश दिए गए जो निम्नवत है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिया उसको कोट कर रहा है, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। वी ऑल्सो मेक इट क्लियर, ये कोर्ट का आदेश है या बीजेपी का आदेश, नहीं कोर्ट का आदेश में पढ़ रहा हूँ। वी ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट दिस ऑर्डर एंड डायरेक्शंस गिवन आर नॉट लिमिटेड टू द मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र स्टेट, ये हम जो निर्देश दे रहे हैं ये निर्देश केवल मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होता है, केवल महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता है। इन टर्म्स ऑफ अ सिमिलर ऑर्डर पास्ड ऑन 4 मई 2022 बट टू ऑल द स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड द रेस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशन टू अबाइड बाई द सेम विदाउट फेल टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, रिकॉन कोर्ट कर रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग लिख रहा पत्र नगर विकास को और कह रहा है कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि मेरा जो निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है ये केवल महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता है, फिर मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होता है, देश के सभी राज्यों पर यह निर्देश लागू होता है। यह एक संवैधानिक मैंडेट है जो सभी लोगों को विदाउट फेल जिसका पालन करना है। यह राज्य निर्वाचन आयोग लिख रहा है, कब लिख रहा है, 11 मई को नगर विकास विभाग को। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के में आयोग के प्रासंगिक पत्र सूचना देने आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो मुख्यमंत्री जी, ये मेरा निर्देश नहीं है, बीजेपी का आदेश या निर्देश नहीं है, ये नगर विकास को राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये केवल महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता है, केवल मध्य प्रदेश पर, देश के सभी राज्यों पर लागू होता है, यह उन्होंने उल्लेख किया है। फिर आप आइए एनेक्सचर 3 पर, यह 28 मार्च का पत्र है, यह भी राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर विकास को पत्र लिखा है। मैं इसका कल रेलिवेंट पोर्शन पढ़ रहा हूँ। 3 जजमेंट को कोट किया उसने। पहला जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो 19 जनवरी 2022 का है, यानी इस साल के जनवरी का है। वो क्या कर रहा है, वी रिटरेट, हम दोहराते हैं दैट सिमिलर डिस्पेंशन बी फॉलोड
including regarding the compliance of triple test by all states or the union territories. यानी जो ट्रिपल टेस्ट का सिद्धांत है वह सभी राज्यों पर लागू होगा इफ दे इंटेंड टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैटेगरी. अगर वो स्थानीय निकाय का चुनाव कराना चाहते हैं और उसमें ओबीसी आरक्षण देना चाहते हैं तो ट्रिपल टेस्ट का जो सिद्धांत है उसको आपको क्रियान्वित करना पड़ेगा. In case the state or the union territory is not in a position to fulfill the triple test requirement, अगर कोई राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता को अगर क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है तो वैसी स्थिति में रिजर्व सीट को जनरल सीट बनाकर वो चाहे तो चुनाव करा सकता है. ये पहला जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का. दूसरा जजमेंट कोर्ट कर रहा मोहन नगर वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. उसमें कह रहे हैं कि फर्दर वी हैव रिक्वेस्टेड मिस्टर तुषार मेहता लर्नेड सॉलिसिटर जनरल टू इम्प्रेस अपॉन द कंसर्न्ड अथॉरिटी. मैं इसका हिंदी अनुवाद कल पढ़ देता हूँ कि भारत सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हैं तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सभी राज्य सरकारों को और सभी स्टेट इलेक्शन कमीशन को वो ये सूचित कर दें, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अगर पंचायत या नगर निकाय के चुनाव में पिछड़ों को अगर आरक्षण देना है तो ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले को क्रियान्वित करने के बाद ही आप दे सकते हैं.